सब्सक्राइब करें इंजीनियर्स किचन चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए। इंजीनियर्स किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं पंजाबी कढ़ी। इसके लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है हमें। धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच, जीरा 1 छोटा चम्मच, लहसुन बारीक कटा हुआ, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, राई 1 छोटा चम्मच, लाल मिर्च 1 छोटा चम्मच, हल्दी 1 छोटा चम्मच, सूखी लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, हींग, प्याज बारीक कटे हुए, दही, बेसन, धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ, रिफाइन ऑयल। एक बाउल में बेसन ले लें, थोड़ा सा प्याज ले लें, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च ले लें, थोड़ी सी हरी मिर्च ले लें और नमक स्वाद अनुसार ले लें, थोड़ा सा धनिया पत्ता ले लें, इसमें 2 चम्मच दही डाल, अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसके पकोड़े बनाने। इसमें थोड़ा सा पानी डाल लें, जैसा कि देख सकते हैं मिक्सचर तैयार हो गया है। तो अब हम लोग पकौड़े छान लेते हैं। गैस ऑन कर लें और कढ़ाई में तेल डालें। जैसा कि देख सकते हैं कि तेल गर्म हो चुका है, तो हम लोग पकौड़े छान लेते हैं। जैसा कि देख सकते हैं कि अब पकौड़े लाल हो चुके हैं, तो इसे निकाल लें। एक बॉल में बेसन ले लें, इसमें पानी डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें और इसको मिलाते रहें ताकि इसमें लम्स ना फॉर्म हो। इसमें हमने 2 बड़े ग्लास पानी लिया है। अब इसमें हम लोग दही मिला लेंगे। गैस ऑन कर लें और कढ़ाई चढ़ा दें। कढ़ाई गर्म होने पर इसमें तेल डालें। तेल गरम होने पर हरी मिर्च डालें, बारीक कटे हुए लहसुन डालें, 1 छोटा चम्मच जीरा डालें, 1 छोटा चम्मच हींग डालें, 2 सूखे लाल मिर्च डालें,
प्याज डालें, थोड़ा सा नमक डाल लें, एक छोटे से बॉल में एक छोटा चम्मच धनिया ले लें, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च ले लें, एक छोटा चम्मच हल्दी ले लें, एक छोटा चम्मच नमक ले लें, इसमें थोड़ा सा पानी डाल लें और इसका पेस्ट बनाएंगे हम लोग। इस तरह से इसका पेस्ट बना लें और इसके बाद इसे हम डालेंगे कढ़ाई में। जो पेस्ट बनाया था हमने उसे डाल दें कढ़ाई में। इसे अच्छे से पका लें। जैसा कि देख सकते हैं मसाला अच्छे से पक गया है, तो इसमें जो घोल बनाया था हमने वो डाल लें। अब इसे हमें धीमी आंच पर पकाना है 10 मिनट के लिए। इसे बीच बीच में हमें चलाते रहना है। जैसा कि देख सकते हैं अच्छी तरीके से कढ़ी तैयार हो गई है। तो इसमें जो पकौड़े हमने बनाए थे वो ऐड कर लें। इसे 2 मिनट तक पकने दें, फिर गैस ऑफ कर लें। गैस ऑन कर लें और तड़का लगाने के लिए छोटे से कलछुल ले लें, इसमें थोड़ा सा तेल डाल लें। इसमें लाल मिर्च डाल लें, लहसुन डाल लें, जीरा डाल लें और एक छोटा चम्मच राई डाल लें। तड़का रेडी हो चुका है, अब इसे कढ़ाई में डाल लें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।